गांव में आप कहीं पे भी निकलिए, ये सभी गाय भैंसे आपको जरूर मिलेगी। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि हम गए थे तुलसी श्याम टेम्पल, और जहाँ पर नेचुरली जो गर्म पानी के तप्तोदक कुंड है वहाँ पर गए थे, और सारा नज़ारा ब्यूटीफुल व्यू हमने उस तुलसी श्याम प्लेस के बारे में आपको बताया था। अभी हम यहाँ से रोड से जा रहे थे तो यहाँ पर एक छोटा सा झरना गुजरता है, तो मन को रहा नहीं गया। और अभी आगे इस तरफ आप देख सकते हैं, अभी बारिश भी शुरू हो गई है, और एक छोटा सा तो झरना है यहाँ से निकलते हुए। इस टाइम पे पानी कम है, वरना ये पूरा सारा अभी पानी का भरा हुआ होता। तो भी पहले यहाँ पर फ्रेश होता हूँ और बाद में हम निकलते हैं। बेसिकली आज का ये व्लॉग हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ से करीबन ऊना से 29-30 किलोमीटर की दूरी पर एक साणा वांकिया एक विलेज है, और वहाँ पर ही नज़दीक एक साणा वांकिया की केव्स है, जहाँ पर जो बौद्धिस्ट की केव्स है 2500 से 3000 साल पहले जो वहाँ पर बौद्धिस्ट मॉन्क है उन्होंने बनाई थी। तो चलते हैं वहाँ पर, और बहुत ही ब्यूटीफुल सारा नज़ारा हम एक्सप्लोर करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आप नए हैं इस व्लॉग में, इस चैनल में, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इस मेरे चैनल को, और पूरा व्लॉग बिना स्किप किए एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं आगे। तो अभी हम गूगल बाबा का सहारा लेते लेते हुए अभी जा रहे हैं, क्योंकि तुलसी श्याम से ऊना करीबन होता है 30 किलोमीटर्स, और फिर वहाँ से जो अभी हम जा रहे हैं साणा वांकिया केव्स, बौद्धिस्ट केव्स, वहाँ का रूट भी करीबन 30। ये देखिए गांव का नज़ारा। गांव में आप कहीं पे भी निकलिए, ये सभी गाय भैंसे आपको ज़रूर मिलेगी जो रिप्रेजेंट करते हैं गांव के कल्चर को। तो यहां से करीबन 15 किलोमीटर्स की दूरी पर अभी है जहां पर हमें पहुंचना है। तो अभी शॉर्टकट तरीके से हम जा रहे हैं गूगल का सहारा लेते हुए, और आज हमारा बर्थडे बॉय बाइक चला रहा है। ये देखिए यहां का रास्ता फुल ऑफ रोड है, और चारों तरफ ये छोटी छोटी घाटियाँ वादियाँ, और हम तीनों तो अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं साणा वांकिया केव्स में, जो मेरे पीछे आप हिल देख सकते हो। वहाँ पर ये सारी केव्स, वहाँ पर बीसी फर्स्ट सेंचुरी से एडी फर्स्ट सेंचुरी तक वो केव्स सारी वहाँ पर बनाई गई थी, कि जो साधु जो बौद्धिस्ट मॉन्क होते हैं वो वहाँ पर मेडिटेशन के लिए आते थे। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, और सारा बहुत ही बेहतरीन व्यू मैं आपको बताता हूँ। और मेरे पीछे इस तरफ देख सकते हो, जो ये पूरी एक हिल टाइप है, वहाँ पर जो रूपण नदी
कि ये सिंचाई योजना है वहाँ पर भी हम जाएंगे। तो अभी चलते हैं साणावांक्या केव्स में, जो कि साणावांक्या विलेज है, विलेज से करीबन 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलते हैं केव्स और कुछ वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ का बहुत सुंदर नज़ारा हम देखते हैं। तो भी फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं साणावांक्या के केव्स में, जो कि यहाँ पर बहुत सारी केव्स है, टेंपल है, और वहाँ पर यह गाजीबो वॉचिंग टावर है, और इस तरफ जो भीम की चोरी है वहाँ पर बहुत सारी केव्स है। तो पहले यहाँ पर जाते हैं, जो कि यहाँ टोटल 62 केव्स है, जिनमें से ये बहुत बड़ी केव्स है। तो पहले इस केव में आपको बताता हूँ, और बाद में हम जो पहाड़ी है वहाँ बहुत सारी केव है वहाँ पर हम चले गए। तो ये है केव का नज़ारा, जो कि यहाँ पर चैत्य है, स्तूप है, और बहुत सारे मंडप है यहाँ पर। ये पूरा केव का नज़ारा, क्योंकि जब यहाँ पर महान सम्राट अशोक का जब यहाँ पर शासन था, तब उनके शासन के दरमियान बहुत सारे यहाँ पर जो भगवान बुद्ध के जो विचार थे, जो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ थे, जीवन जीने के तरीके, वो सारे साम्राज्य में इस पूरे क्षेत्र में फैलाए थे। तो भी मेरे पीछे आप देख सकते हो ये केव्स, जो कि यहाँ पर जो 62 केव्स है उनमें से सबसे बड़ी है केव्स है ये पूरी केव्स, जो कि आप देख सकते हैं। ये अभी पिलर सब यहाँ पर अभी गिर चुके हैं, और ये सपोर्ट के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। तब सोच के देखिए कि इतनी बड़ी केव उस टाइम में, ईस्वी सन के पहले, 1-2 सदी के पहले ये केव्स यहाँ पर बनाई होगी, जो कि जो बौद्धिस्ट मॉन्क है उनके लिए ये एक आश्रय स्थान था, जो कि भगवान बुद्ध के विचार को फैला सके। तो ये पूरी केव्स 21 मीटर तक ये गहरी है, आप देख सकते हैं 18.5 मीटर ये चौड़ी है केव्स, और 5.5 मीटर की इसकी हाइट है। इतनी बड़ी केव्स खोदी गई थी, स्कल्पचर किया गया था आज से कई सदियों पहले। तो ये कुछ नज़ारा इस केव का। तो भी चलते हैं पीछे जो हिल है वहां पर बहुत सारी केव्स है, तो वहां का नज़ारा देखते हैं हम। यहाँ पर ये केव्स, और यहाँ पर जाने का रास्ता है कुछ, यहाँ पे एक छोटा रूम जैसा बना हुआ। क्योंकि महाराष्ट्र की जो अजंता एलोरा और एलिफेंटा की जो केव्स है, मुझे उस टाइप की लग रही है, क्योंकि वहाँ पर भी इतनी बड़ी बड़ी लंबी केव्स है। जो सभागृह है उस टाइम पे सब इकट्ठे होकर जो मेडिटेशन करते थे। इस तरफ भी बहुत सारी केव्स है, और आगे वॉचिंग टावर, जहाँ से पूरी पहाड़ियाँ और इस प्लेस का बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको दिखेगा। तो अभी हमें जाना है इस माउंटेन पे, और वहाँ पर जो केव्स है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी ऊपर केव्स में जाने के लिए कुछ पक्की कोई स्टेप्स या कोई रास्ता नहीं है, ऐसी कच्ची सड़क पगडंडी है यहाँ पर। ये पत्थर देखिए आप, पूरा कलरफुल। और पीछे ये
पूरा तालाब रुपेण नदी। ये आप देख सकते हैं ये ढलान, जो कि थोड़ा बहुत फुल एडवेंचर हो गया। क्या बोलते हो भाई? बहुत ही मज़ा आया भाई। थोड़ी छोटी सी ढलान है लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। नोप नोप, उधर से यहाँ पर केव से एक, लेकिन रास्ता ढूंढना पड़ेगा शायद इसी तरफ। हाँ आई थी ना। ये है यहाँ पर केव्स, ये दो यहाँ पर छोटे छोटे कमरे। इस तरफ भी चारों तरफ जहाँ पर भी देखो ऐसे केव्स आपको मिलेगी। टोटल 62 केव्स है। तो आप सोच ही सकते हो उस टाइम पे कितना वक्त और कितने लोगों ने ये इकट्ठा होकर बनाई होगी। अनबिलीवेबल। ये है कुछ जन्नत। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके, स्पेशली इस केव्स और चारों तरफ कितना कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। ये अभी हम पहाड़ी पे खड़े हैं, बहुत सारे केव्स है यहाँ पर, आप सामने देख सकते हो। ये पूरी झील, रुपेण नदी, इस तरफ भी तो वो सारी केव हमने देख ली, एक्सप्लोर कर ली। और अभी चढ़ते हैं इस वॉचिंग टावर में, जहाँ से बहुत ही बेहतरीन व्यू इस पूरी साइड का, इस पूरे प्लेस का दिखता है। तो अभी हम थे वहाँ पर उस टेकरी पे, वहाँ पर सारी केव्स एक्सप्लोर की, इस तरफ पूरा पार्किंग एरिया। और अभी हम हैं इस वॉचिंग टावर में, जहाँ से सारा ब्यूटीफुल व्यू आपको यहाँ से ये पूरी केव्स और पीछे जो रुपेण नदी है वो दिखने को मिलेगी। और बहुत ही बेहतरीन नेक्स्ट लेवल यहाँ का सीन है। तो उस टाइम यहाँ पर रेस्ट करते हैं और बाद में थोड़ी और केव्स है वो एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। 6% GoPro की बैटरी भी अभी डाउन हो रही है, तो बड़ा करते हैं शूट। तो अभी हमें यहाँ पर मिले थे हमारे बहुत सारे यहाँ पर फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर एक, यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर एक हेमाड़ विलेज है, वहाँ से सब आए थे यहाँ पर घूमने के लिए सारे फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब, एकदम बढ़िया? बढ़िया बढ़िया। तो ठीक है, मिलते हैं बाद में। बाय बाय। तो आपको यहाँ का सर्दी से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ इस केव्स का, क्योंकि GoPro की बैटरी अभी बहुत ही कम है तो शायद पॉसिबल ना हो। ये आप देख सकते हैं ये पूरी केव्स, इस तरफ रास्ता और अभी कुछ। तो ये है वाटर स्टोरेज टैंक, जो फिलहाल भी पानी से भरा हुआ है और फिलहाल भी इसका इस्तेमाल होता था। जो केव्स बनाई थी उस टाइम भी ये पानी की दिक्कत ना हो, इसलिए ये वाटर स्टोरेज टैंक उस टाइम पे बनाया था। पीछे एक टेंपल है और यहाँ पर जो हम हिल पर आए हैं, यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन दिखता है। ये पूरी जो रुपेण नदी है, ये पूरी जो तालाब है उसका। आए तो आए।
और कुछ केव्स इस तरफ आप देख सकते हैं, ये पिलर अभी उसी हालत में, थोड़ा बहुत यहाँ पर रिनोवेट किया गया है और छोटे छोटे यहाँ पर ऐसे रूम्स है, कमरे है ध्यान के लिए। इस केव में, इस पूरे एरिया में, इस साणावांग के केव्स में टोटल 64 केव्स की एक चैनल है, लेकिन हम बहुत सारे केव्स घूमे, लेकिन फिर भी शायद ही हम 30 से 40 केव्स शायद ही हम घूम पाए होंगे। कितनी केव्स तो आगे पहाड़ियों में जो दिखती भी नहीं। और ऐसे बहुत सारे कुंड यहाँ पर पानी के भरे हुए, आपको केव्स के हर तौर आपको देखने को मिलेंगे। सुपर, अनबिलीवेबल। ये देखिए पूरी केव्स, केव्स के दोनों साइड ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर कमरे बने हुए हैं, इस साइड भी और इस तरफ भी। हो ये देखिए एक पूरा स्टेज जैसा बना हुआ, जहाँ पर जो मेन मॉन्क्स जो है वो शायद यहाँ पर बैठते होंगे, और दूसरे सब मॉन्क्स मेडिटेशन के लिए ये पूरे यहाँ पर जो एक आंगन जैसा है, हॉल है, इस हॉल में यहाँ पर बैठते होंगे मेडिटेशन के लिए। तो आप सोच ही सकते हो कि जब महान राजा, जब अशोक का साम्राज्य था, तब जो बुद्ध भगवान की जो बातें है वो कहाँ तक फैली होगी। चारों तरफ जहाँ भी आप जाए, कोई भी स्टेट में, स्पेशली महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात के वेस्टर्न साइड में, आपको बहुत सारी ऐसी केव्स दिखने को मिलेगी। रियली अमेजिंग। तो फाइनली अभी यहाँ पर करते हैं व्लॉग खत्म। तो आज हमने एक्सप्लोर की साणावांग, यहाँ पर जो बौद्धिस्ट केव्स है, बहुत सारी यहाँ पर हमने केव्स देखी, उसके पास बगल में बहुत सारे कुंड थे जो नेचुरल वाटर से भरे हुए, वो हमने देखे, और पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है, झील, वो भी वहाँ का बहुत ही अच्छा नज़ारा हमने देखा। तो कभी भी आपको टाइम मिलता है तो ऊना से करीबन 29 किलोमीटर की दूरी पर जो एक भावनगर हाईवे पर एक टिम्बी विलेज है, वहाँ से करीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर ये एक बहुत ही अच्छा ये प्लेस है वन डे पिकनिक के लिए, घूमने के लिए। तो ज़रूर आइए आप जब भी आप फ्री ऑफ टाइम है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं ख़त्म। मुझे पता है ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो गया है, तो इसीलिए मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग, एन्जॉइंग योर लाइफ, और ऐसे अलग अलग डेस्टिनेशन पर आप जाइए, घूमिए, उसके बारे में जानिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।